3, 2, 1. हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने लगी हूँ वो मैलिफिशेंट का पार्ट 2। सो मूवी स्टार्ट होती है तो हमें वही जंगल दिखाया जाता है जहाँ मैलिफिशेंट रहा करते थे। वहाँ हम तीन लोगों को देखते हैं जो उधर से कुछ क्रिएचर्स को चुराने की कोशिश कर रहे थे। मगर जैसे ही मैलिफिशेंट को खबर मिलती है वो उनमें से दो लोगों को मार देती है, लेकिन तीसरा चोर वहाँ से जंगल में भाग जाता है और एक क्रिएचर को चुरा लेता है। और वो मैजिकल फ्लावर्स के पास से गुजरता है और किंगडम में जा पहुंचता है, मतलब वही कौल के पास पहुंचता है जहां पर हमें छोटा बोना आदमी नज़र आता है जो सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ बाहर निकालता है और उससे वो मैजिकल क्रिएचर्स और वो फ्लावर ले लेता है और उसके बदले उसे कुछ कॉइन्स दे देता है। मूवी के सीन्स चेंज होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अब भी लोग मैलिफिशन को एक बुरी परी समझते थे और अभी तक वो उसे अच्छा नहीं मानते थे और समझते थे कि उसी ने उनकी प्रिंसेस को चुराया है और अब भी प्रिंसेस अरोरा को मारना चाहती है। बाद में प्रिंसेस अरोरा को दिखाया जाता है जो बहुत ही प्यारी लग रही होती है और डिफरेंट क्रिएचर्स के साथ खेल रही होती है। वो वहाँ की रानी बन चुकी थी तो सब क्रिएचर्स अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उसके पास आते हैं। इधर प्रिंसेस अरोरा को पता चलता है कि एक छोटे से क्रिएचर यहाँ से गायब है। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा बहुत परेशान होती है। उसे परेशान देखकर वही छोटी बगियाँ उधर आती हैं और उसे खुश करने की कोशिश करती हैं। उसका क्राउन ले लेती हैं और उसे नीचे की तरफ ले जाती हैं। जैसे प्रिंसेस अरोरा वहाँ पहुँचती है तो उसे वही लड़का नज़र आता है जो पार्ट 1 में हमने देखा था, लेकिन वो तब तक उसका ट्रू लव नहीं था। प्रिंसेस अरोरा उसको देखकर बहुत खुश होती है। वो भी एक प्रिंस था और उसका नाम था प्रिंस फिलिप। वो बहुत टाइम से अरोरा को पसंद करता था और फाइनली वो उसको प्रपोज कर देता है। प्रिंसेस अरोरा बहुत खुश होती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ये सिर्फ उस मैलिफिशन का क्रो भी देख रहा होता है जो वहाँ से जाता है और फौरन मैलिफिशन के पास पहुँचता है और उसे सब बात बता देता है। सीन शिफ्ट होते हैं और हमें प्रिंस फिलिप को दिखाया जाता है जो अपनी किंगडम में पहुँच जाता है और वहाँ बताता है कि उसको एक लड़की पसंद आ गई है। प्रिंस फिलिप अपने महल में जाता है और अपने फादर को बताता है कि आज उसने अपनी पसंद की लड़की को प्रपोज किया और उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया है। इधर हम देखते हैं किंग तो बहुत खुश है लेकिन कोई यहाँ पर खुश नहीं नज़र आती, लेकिन वो अपने बेटे की खुशी के लिए हामी भर देती है और कहती है कि वो प्रिंसेस अरोरा और उसकी वेरी गुड मदर को अपने यहाँ डिनर पर बुलाएंगे। दूसरी तरफ हमें मैलिफिशन को दिखाया जाता है जो प्रिंसेस अरोरा के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे से बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया, तुम एटलीस्ट मुझसे एक दफ़ा पूछ लेती। इंसान धोखेबाज है और ट्रू लव नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसीलिए तो मैं तुम्हारा ट्रू लव बनी। यहाँ प्रिंसेस अरोरा उसको जवाब देती है और कहती है लास्ट में नहीं कि आपको धोखा मिला है तो मुझे भी धोखा मिले, सब इंसान बुरे नहीं होते। मैलिफिशेंट ये सुनकर चुप हो जाती है और प्रिंसेस अरोरा की खुशी के लिए मान जाती है। फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन दोनों फैमिलीज के दरमियान डिनर होना था और हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो अपने सीक्रेट क्लोज़ेट के अंदर जाती है। और यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि और कुछ नहीं आयरन की फैक्ट्री थी जहाँ बहुत ज़्यादा आयरन तैयार किया जा रहा था। इसी जगह पर हमें वो क्रिएचर और मैजिकल फ्लावर भी दिखाया जाता है। क्वीन उस बोने आदमी के पास जाती है और उसे कहती है वक्त आ गया है जल्दी कर। इसी जगह पर हमें स्पिनिंग व्हील भी दिखाया जाता है और इस पर वही सेम सुई लगी होती है। ये सीन बहुत ही सस्पिशियस होता है लेकिन यहाँ हमें क्वीन के किसी भी प्लान का कुछ पता नहीं चलता था। अब हमें मैलिफिशेंट और उसका वही क्रो जो एक इंसानी रूप में वहाँ पर मौजूद होता है और प्रिंसेस अरोरा जो कि बहुत ही प्यारी लग रही होती है, ये सब तैयार होकर किंगडम की तरफ जाने लगते हैं। जैसे वो सब किंगडम की तरफ जाते हैं तो लोग मैलिफिशेंट को देखकर बहुत डर जाते हैं और कुछ लोग तो अपने वीपन्स निकाल लेते हैं, लेकिन मैलिफिशेंट स्माइल करती है और इसी को इंजॉय करती है और किसी को कुछ नहीं कहती। इधर मैलिफिशेंट और वो क्रो प्रिंसेस अरोरा के साथ महल पहुँच जाते हैं। इधर वो डिनर तैयार था और सब अपनी अपनी जगह पर बैठे होते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्वीन मैलिफिशेंट से अच्छी बातें करने के बजाय उसके पुराना वक्त उसको याद दिलाती है और कहती है कैसे तुमने मासूम सी प्रिंसेस को कर्ज किया था। इस पर मैलिफिशेंट उसे जवाब देती है कि आपकी किंगडम के कुछ लोग हमारे फॉरेस्ट में आए थे और कुछ क्रिएचर्स को वहाँ से चुरा कर ले गए। उन दोनों के दरमियान में लड़ाई बढ़ने ही लगती है तो किंग अपनी क्वीन को चुप कराते हैं और कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, और प्रिंसेस अरोरा उधर मैलिफिशेंट को चुप कराती है लेकिन क्वीन अपनी बातों से पास नहीं आती
और मुस्तकिल मैलफिशेंट को बुरा भला कर देती है और मैलफिशेंट को कहती है कि जब इनकी शादी होगी तो उसकी रियल मदर कौन होगी। इसमें मैलफिशेंट को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने विंग्स खोलती है और ग्रीन कलर की एनर्जी को बाहर निकालती है, क्योंकि आज तक वो अपने आप को ही प्रिंसेस अरोरा की रियल मदर मानती थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए को किंग के पीछे जाती है और किंग नीचे गिर जाता है। वो चिल्लाने लगती है कि मैलफिशेंट ने किंग को कर्ज कर दिया है। ये सुनकर अरोरा मैलफिशेंट पर गुस्सा करती है कि क्यों आप बार बार हर किसी को कर्ज करती हैं। मैलफिशेंट ये सुनकर कहती है, अरोरा तुम भी ये कह रही हो, मैंने कोई कर्ज नहीं किया। लेकिन अरोरा उसकी कोई बात नहीं मानती, क्योंकि क्वीन ने उसको बहुत अच्छे से टैकल कर लिया था और वो जाकर फौरन सबके साथ बैठ जाती है। मैलफिशेंट वहाँ से जाने ही लगती है और वो लास्ट टाइम अरोरा से पूछती है कि अब तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। इस पर अरोरा खामोश रहती है और किंग और क्वीन के पास बैठी रहती है और वहाँ से दुखी होकर जाने लगती है। बाहर हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो किंग और क्वीन की साथी होती है और आयरन बॉल से मैलफिशेंट के ऊपर हमला करती है और बेचारी मैलफिशेंट जख्मी होकर ओशन में गिर जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किंग कर्ज की वजह से बहुत लंबी नींद सो गया है और प्रिंस और प्रिंसेस को उनको मशवरा देते हैं कि आप उनके वाइफ हैं और आप ही उनका ट्रू लव होंगी, अब उनको किस करें तो शायद कर्ज टूट जाए। लेकिन क्वीन ने कभी भी किंग से सच्चे दिल से प्यार नहीं किया था, वो सिर्फ एक लालची औरत थी। वो अंधेरे अंधेरे मुंह बनाती है लेकिन अपनी बेटी की इंसिस्ट करने पर वो किंग को किस करती है जैसे कुछ भी नहीं होता। तो इस पर प्रिंसेस अरोरा जंगल की तरफ चली जाती है और मैलफिशेंट के पास जाती है, लेकिन उसका पता चलता है कि मैलफिशेंट वहाँ पहुँची ही नहीं। दूसरी तरफ वही लड़की अभी तक ओशन पर नज़र रखी होती है, लेकिन वहाँ देखती है कि कोई क्रिएचर मैलफिशेंट को अपने साथ उड़ाकर ले गया है। वो ये सारी बात क्वीन को बता देती है। दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस अरोरा को बहुत परेशान दिखाया जाता है जो किंगडम की तरफ वापस आ जाती है, लेकिन उसके हॉर्स के साथ एक और मैजिकल क्रिएचर उस किंगडम में आ जाता है और वो क्रिएचर उसी जगह पहुंच जाता है जहां बाकी क्रिएचर भी थे। तब प्रिंसेस अरोरा क्वीन के पास जाती है और उसे कहती है उसे मैलफिशेंट कहीं नहीं मिली। क्वीन उसको कहती है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है, वो आ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन की वही साथी अभी भी ओशन पर नज़र रखे हुए थे। अगले ही दिन ये अनाउंस कर दिया जाता है कि आज से 3 दिन के बाद प्रिंस और प्रिंसेस की शादी होनी है और हम सब सुलह करना चाहते हैं, इसीलिए जंगल के तमाम क्रिएचर्स इस शादी में इनवाइटेड हैं। दरअसल ये उनका प्लान था कि मैलफिशेंट को वो मार दें और बाकी तमाम क्रिएचर्स को वो अपने पास कैद कर लें ताकि इन सब के बाद फॉरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कोई ना बचे। दूसरी तरफ हमें मैलफिशेंट को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होती है और वह एक ऐसी जगह पर होती है जहाँ उसके जैसे बहुत सारे क्रिएचर्स मौजूद होते हैं जिनके बड़े बड़े पर और हॉर्न्स भी होते हैं। और जैसे ही वो क्रिएचर मैलफिशेंट को देखते हैं तो उनमें से एक मैलफिशेंट के पास जा पहुँचता है और उसे पूछता है कि इंसान को कैसे हराया जा सकता है, अपनी पावर्स हम में भी ट्रांसफ़र करो। ये बात सुनकर मैलफिशेंट बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे दूर उठाकर फेंकती है। ये देख के उनका किंग बहुत खुश होता है, उसका नाम होता है बोरा। वो समझ जाता है कि मैलफिशेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसको टैकल करना बहुत आसान होगा। तभी बोरा का एक साथी मैलफिशेंट को लेकर क्यू से बाहर आता है और उसे एक स्ट्रक्चर के पास ले जाता है और उसे बताता है कि ये ही उसके एंसेस्टर्स हैं और ये इन्हीं की औलाद में से है। बोरा का साथी उसे इस दौर बताता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर परी है और अभी उसकी एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर फेरी बन जाएगी और वो स्टेज तब आएगी जब वो प्रिंसेस अरोरा को दिल से माफ़ कर देगी, क्योंकि जो शख्स किसी को दिल से माफ़ कर देता है वही इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है। मगर मैलफिशेंट उसे कहती है कि वो कभी भी अरोरा को माफ नहीं करेगी, उसने हमेशा उसे दिल से प्यार किया और उसने उसको धोखा दे दिया और उसे छोड़कर चली गई। तभी बोरा वहाँ पहुँचता है, बताता है प्रिंस और प्रिंसेस की शादी हो रही है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। मैलफिशेंट सुनकर बिल्कुल खामोश रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन अपनी पूरी बातों से अरोरा को टॉर्चर कर रही होती है
अलोरा वहाँ से फौरन प्रिंस के पास जाती है और कहती है मैं सिर्फ आपकी वजह से ही बर्दाश्त कर, मुझे कोई बिल्कुल भी नहीं पसंद सर। दूसरी तरफ हम उसी बोने आदमी को देखते हैं जो मैजिकल फ्लावर से एक ऐसे डस्ट तैयार करता है जो कि फेरिस को मार सकती है। उस डस्ट को टेस्ट करने के लिए फौरन क्वीन को बुलाता है और वोनो आदमी क्वीन के आते ही वो मैजिकल पाउडर एक फेरी के ऊपर डालता है और जैसे ही वो पाउडर उसके ऊपर डालता है तो वो फेरी मर जाती है। ये देखकर क्वीन बहुत खुश होती है, लेकिन वो आदमी उसको बताता है ये पाउडर वो तभी और बना सकता है जब वो उसको ग्लोइंग फ्लावर्स ला कर देते हैं। उनके लोग जंगल में वो ग्लोइंग फ्लावर्स लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन मालाफिशेंट को भी ये खबर हो जाती है, लेकिन जब तक वो पहुंचती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। वो तमाम ग्लोइंग फ्लावर्स ले जा चुके होते हैं। मालाफिशेंट यहाँ पर बहुत उदास होती है। इधर वो लोग मालाफिशेंट के ऊपर आयरन बुलेट से अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी बोरा का वो साथी वहाँ आ जाता है, मालाफिशेंट को बचा लेता है। मैलिफिशेंट उनके गेट एक शील्ड बना लेती है, तभी बोरा बाकी सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है। बोरा के उस फ्रेंड को केव की तरफ लेके जाती है, लेकिन बेचारा तभी मर चुका होता है। इस तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और तमाम जंगल से क्रिएचर्स महल की तरफ आने लगते हैं। तभी मैलिफिशेंट का वो क्रो जो कि अभी भी इंसानी रूप में होता है उसको वहाँ जाने से रोक लिया जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस अरोरा को वो ही ग्लोइंग फ्लावर गेट में देता है और वो देखकर बहुत हैरान होती है कि ये ग्लोइंग फ्लावर तो हमारे जंगल का है, ये क्वीन ने उसको कैसे भेजा। वो क्वीन से बात करने के लिए उसके क्लोजेट में जाती है और उसी सीक्रेट रास्ते पर पहुंच जाती है। वो वहाँ से जल्दी जल्दी उस आदमी के पास जा पहुंचती है और जैसे वो स्पिनिंग व्हील को देखती है उसको सारे विजन आने लगते हैं कि दरअसल हुआ क्या था, और वहाँ पर सब कुछ समझ जाती है। और वहाँ पर वो दोनों क्रिएचर्स को देख लेती है, उनको आजाद करने लगती है। तभी वो आदमी उसको रोक देता है और क्वीन वहाँ पर आ जाती है। क्वीन प्रिंसेस अरोरा को देखकर हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि पहले उसकी किंगडम इसी फॉरेस्ट के पास हुआ करती थी और इसी किंगडम के लोगों ने उसके फादर को मार दिया था, और जब उसका ब्रदर वहाँ पर सुलह के लिए पहुँचा तो क्रिएचर्स ने उसके ब्रदर को भी मार दिया, और जब वो अकेली रह गई तो उसे किंग से शादी करनी पड़ी जिससे वो प्यार भी नहीं करती है। पूरी स्टोरी बताने के बाद क्वीन अपने सोल्जर्स को हुक्म देती है कि प्रिंसेस अरोरा को कमरे में बंद कर दिया जाए। दूसरी तरफ जंगल के तमाम क्रिएचर्स को भी एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उन पर वही मैजिकल पाउडर छोड़ा जाता है जिससे वो बेचारे क्रिएचर्स वीक होने लगते हैं। इधर प्रिंसेस अरोरा जिस रूम में होती है वहाँ उसका वेडिंग ड्रेस होता है, वो उसे फाड़ कर एक लंबी रस्सी बनाकर पैलेस से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सोल्जर उसको देख लेते हैं और वो अपने आप को उसी कमरे में बंद कर लेती है। अभी हमें मालाफिशेंट का क्रो दिखाया जाता है जो इंसानी रूप में होता है और वहीं कैसल में पहुंच जाता है। और कैसल के बाहर दोनों किंगडम्स में लड़ाई हो रही होती है और क्वीन के लोग फेरिस के ऊपर वही मैजिकल पाउडर डाल रहे होते हैं। दूसरी तरफ अरोरा उसी रस्सी को लेकर प्रिंस के रूम में आ पहुँचती है जहाँ वो अपने फादर के पास होता है और उसे सब सच बता देती है और बताती है कि उसके फादर को कर्ज उसकी खुद की मदर ने किया है, मालाफिशेंट ने नहीं। हम देखते हैं कि क्वीन के लोग फेरी आर्मी पर बहुत ज़्यादा पाउडर छिड़क रहे होते हैं, उनको मार रहे होते हैं। प्रिंसेस अरोरा वहाँ से बाहर निकल आती है और उसकी नज़र मालाफिशेंट के क्रो पर पड़ती है। इधर वो उसको बताती है कि अगर हमें लोगों को बचाना है तो हमें चर्च के दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम चर्च के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंस की वही साथी अभी तक फेरिस के ऊपर वो पाउडर फेंक रही थी जिसकी वजह से वो वीक हो रहे थे। वो तमाम छोटी परियां उन होल्स के अंदर जैसे पाउडर निकल रहा था फ्लावर्स भर देती हैं, और जैसे ही क्वीन के साथ ही उनको ठीक करने के लिए ऊपर जाती है तो वो खुद वहाँ से गिर जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस अपनी मदर के पास जा पहुँचता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन अपने सोल्जर को कहती है कि इसको पकड़ लो। तभी प्रिंस वहाँ से छलांग लगा देता है और नीचे जाने लगता है। अरोरा और उसके क्रो को सोल्जर्स पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी मालाफिशेंट वहाँ आ जाती है और अपने क्रो को एक बहुत ही बड़े भालू में बदल देती है और वो वहाँ से चर्च का दरवाज़ा तोड़कर तमाम क्रिएचर्स को आज़ाद कर देता है। और मालाफिशेंट वहाँ के तमाम लोगों पर हमला कर देती है और अपने क्रिएचर्स को बचाने लगती है। बोरा भी सोल्जर से लड़ने लगता है, लेकिन तभी प्रिंस उसे रोक लेता है और कहता है ये हमारे जनरल हैं, इसे मत मारो, और वो वहाँ से चला जाता है। जनरल जैसे ही देखता है कि उसने सिर्फ कुछ नहीं किया तो वो समझ जाता है कि असली सालिम क्वीन है, वो ही गुनाहगार है। उधर मालाफिशेंट क्वीन के पास पहुँच जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है कि रुक जाए, अगर आपने क्वीन को मार दिया तो लोग आप ही को गुनाहगार समझेंगे।
लेकिन मलफिसेंट कहती है अरोरा हट जाओ। तभी अरोरा उसे कहती है मदर प्लीज रुक जाएं, ऐसा मत करें। ये सुनकर मलफिसेंट का दिल पिघल जाता है और उसमें इमोशंस आने लगते हैं। यही मौका देखकर क्वीन वही मैजिकल पाउडर प्रिंसेस अरोरा के ऊपर फेंकने लगती है। तभी मलफिसेंट आगे आकर वो खुद पर ले लेती है और साथ ही मलफिसेंट एशेज में बदलने लगती है। उसको देखकर अरोरा बहुत ज़्यादा रोने लगती है और क्वीन ऐलान कर देती है कि अब तुम्हारी मलफिसेंट नहीं रही। मगर जैसे ही प्रिंसेस अरोरा के आंसू उन एशेज के ऊपर गिरते हैं तो वो एशेज दोबारा इकट्ठे होने लगते हैं और फिर से मलफिसेंट जिंदा हो जाती है और उसके बड़े बड़े विंग्स आ जाते हैं। क्वीन गुस्से में प्रिंसेस अरोरा को उधर से फेंक देती है लेकिन मलफिसेंट उसको टाइम पर बचा लेती है। इधर प्रिंस भी सारी हकीकत जान चुका था इसलिए वो भी मलफिसेंट के पास आ जाता है और मलफिसेंट उन दोनों की शादी के लिए मान जाती है। वो छोटा क्रिएचर भी उन दोनों क्रिएचर्स को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और मैजिकल नीडल मलफिसेंट को देता है। इधर सबको पता चलता है मलफिसेंट ने वो कर्ज नहीं किया था बल्कि क्वीन ने किया था। अब किंग भी वहाँ जाग चुका था और सारी सच्चाई जान चुका था। क्वीन को बोला कि लोग वहाँ से फेंक देते हैं और मलफिसेंट उसे कोर्ट में बदल देती है और उस सारी जगह को पुलिस से सजा देती है और वो बोरा के लोगों को कहती है मैं समझ गई हूँ तुम अच्छे लोग हो, तुम भी यहाँ हमारे साथ रह सकते हो। और अरोरा को वेडिंग के लिए तैयार करती है और वहाँ ले आती है। तमाम क्रिएचर्स और सब मिलजुल कर रहने लगते हैं और प्रिंस और प्रिंसेस की शादी हो जाती है। दोनों किंगडम के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत अच्छे से इस वेडिंग को सेलिब्रेट करते हैं। और मलफिसेंट प्रिंस और प्रिंसेस के पास से चली जाती है और कहती है कि मैं दोबारा तभी आऊँगी जब तुम दोनों का क्यूट सा बेबी होगा। मलफिसेंट के इस पार्ट का एंड यहीं हो जाता है।